असल में जिंदगी की चाल को वही समझता है, जो सफर में धूल को गुलाल समझता है, स्वागत है दोस्तों आपका एपिन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों आपके सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न पर, टाइम टेबल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं टाइम टेबल क्यों जरूरी है, टाइम टेबल कैसे बनाएं, आगामी कुछ दिनों में अपनी तैयारी को आप कैसे धार दें कि आप अपना अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला पाएं दोस्तों, अपने आप में आप बेस्ट कर पाएं। और मेरी प्रयास पूरा दोस्तों ये रहेगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी टाइम टेबल से रिलेटेड सभी समस्याएं खत्म हो जाए दोस्तों, ताकि आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत न पड़े। आप टाइम टेबल के बारे में जितने भी आपकी कंफ्यूजन है, जितनी भी आपकी दुविधाएं हैं दोस्तों, वो मैं दूर करने का प्रयत्न पूरा इस वीडियो में करने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, चलने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को आप कहीं भी स्किप नहीं करिएगा, वीडियो में मेरी कही बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। और दोस्तों नए साल की बधाई हो आप सभी को, नया साल आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो और दोस्तों आपके लिए सफलता के नए इबारत आप लिखें इस वर्ष में, यही कामना दोस्तों आपको मेरी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपको दोस्तों है। तो बिल्कुल दोस्तों यहां पर देख लीजिए, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हमारे पिछले वीडियोस पर कि सर टाइम टेबल बताइए, हम टाइम टेबल कैसे बनाएं, हम कैसे काफ़ी देर तक पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, क्या क्या पढ़ें। और दोस्तों अब हमारे पास काफ़ी कम समय बचा है, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हमारे पास बहुत कम समय बचा है, हमारी तैयारी कुछ भी नहीं है, हम कैसे जो बचे हुए दिन हैं, जो भी 30-40 दिन बचे हुए हैं हमारे पास, 40 से 45 दिन दोस्तों मुश्किल से बचे हुए हैं, इनका मैं कैसे इस्तेमाल कर पाऊँ, इसी विषय पर दोस्तों मेरा आज ये वीडियो रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप कुछ बातों को ध्यान रख लीजिए। यहाँ पर मैं दो बच्चों के बारे में बात करूंगा, उन बच्चों के बारे में बात करूंगा जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, जिनकी तैयारी लगभग हो चुकी है, और दूसरे वो बच्चे हैं जिनकी तैयारी अभी कुछ भी नहीं हुई है, जो अभी तैयारी नहीं कर पाए हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं टाइम टेबल क्यों जरूरी है, टाइम टेबल हमें क्यों बनाना चाहिए। देखिए दोस्तों, टाइम टेबल का महत्व आप इस बात से समझिए, अगर दोस्तों हमें किसी पहाड़ पर चढ़ना है तो हमें उसकी एक कार्य योजना बनानी पड़ेगी, हम ऐसे ही नहीं चल देंगे, रैंडमली नहीं चल पाएंगे। अगर हम ऐसे ही अचानक चलेंगे दोस्तों तो हमें चोट लग जाएगी, या हो सकता है हम मृत्यु को प्राप्त हो जाए, हमारी मृत्यु हो जाए, क्योंकि दोस्तों हमारी डायरेक्शन हमारा सही नहीं होगा, हम गलती करेंगे वहां पर। इसी प्रकार से आप जब पढ़ रहे हैं तो आपके लिए टाइम टेबल बहुत जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए किस समय पर आपको क्या करना है, कितनी चीजें आपको करनी है, आपका टारगेट पहले सेट होना चाहिए दोस्तों। अगर आपका टारगेट सेट नहीं है तो बोर्ड परीक्षा क्या, आप किसी परीक्षा में सफलता नहीं पा पाएंगे और जीवन में आप अच्छी ऊंचाई पर, अच्छी जगह पर आप दोस्तों नहीं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति आप नहीं कर पाएंगे। तो समझ लीजिए दोस्तों, टाइम टेबल एक तरह से आपकी रीढ़ की हड्डी है, पढ़ाई की दोस्तों बैकबोन है ये, और बहुत जरूरी है, आपको इन बातों का ध्यान रखना ही है दोस्तों। टाइम टेबल आपको एक सेटअप दे देता है, एक माइंड का सेटअप दे देता है कि आपको इस टाइम पर ये काम करना है, आपको वो बाधित करता है, आपको सीमित करता है दोस्तों, जिससे आप अपने समय का महत्व समझ पाएं और बहुत अच्छा कर पाएं दोस्तों। तो टाइम टेबल आपके लिए इसीलिए जरूरी है। अब मैं आपको बता दूं टाइम टेबल आप कैसे बनाएं अपने बोर्ड परीक्षा के लिए बचे हुए दिनों में। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले आप अपने दिनों को काउंट कर लीजिए। मेरे हिसाब से दोस्तों आपके पास 30 से 45 दिन बचे हैं, मिनिमम 30 डेज और मैक्सिमम आपके पास 45 डेज बचे हुए हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो। लगभग सभी बोर्ड ने अपनी परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिए हैं दोस्तों, आपका टाइम टेबल आ चुका है, अब आपको जुट जाना है, अब आपको लगना है। और बिल्कुल टाइम टेबल आपको मैं बता दे रहा हूं, यहां पर दोस्तों मैं एक वैकल्पिक टाइम टेबल बता रहा हूं, इसी तरह से आपको फॉलो करना है। मिनिमम दोस्तों जो मैं आपको टाइम टेबल बता रहा हूं वो लगभग 6 से 8 घंटे का है, इससे कम अगर आप पढ़ रहे हैं इन दिनों में तो बिल्कुल दोस्तों आप अपने साथ खतरा कर रहे हैं, अपने साथ आप खेल रहे हैं खुद। तो मैं आपको बचाने के लिए दोस्तों यहां पर एक बता रहा हूं, आपको कैसे पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, आपको हर बात का ध्यान देना है। और देखिए दोस्तों, मैक्सिमम लोगों के स्कूल अब बंद हो चुके हैं, अब जितने भी बोर्ड के परीक्षार्थी हैं उनके विद्यालय बंद हो चुके हैं, अब वो अपने घर पर हैं बिल्कुल, क्योंकि उनको अब परीक्षा के लिए समय दिया गया है कि अब अपनी तैयारी में जोर लगा दें और बिल्कुल अपने स्कूल का, अपने विद्यालय का, अपने जिले का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए उनके पास बहुत समय है। तो ये काम आपको करना है। अब आपको पढ़ना कैसे, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। देखिए दोस्तों, जब आप अगर मॉर्निंग में उठ रहे हैं तो आप मॉर्निंग में, अभी तो मान लीजिए दोस्तों विंटर का सीजन है तो मैक्सिमम मान के चल रहा हूं आप 5 से 6 बजे उठ रहे हैं, तो आप 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक, या दोस्तों 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक, आप 3 घंटे का टाइम टेबल दोस्तों सुबह का बनाइए। और सुबह आप उन सब्जेक्ट्स को रखिए जो आपको रटना है, जैसे आप इंग्लिश को रख सकते हैं, आप फिजिक्स को रख सकते हैं, फिजिक्स में थ्योरी पार्ट को, केमिस्ट्री को आप रख सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स को रख सकते हैं,
आप बिजनेस स्टडीज को रख सकते हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट जो कि आपको रटने वाले सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, आप जिस भी स्ट्रीम से हैं दोस्तों, आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, तो मॉर्निंग का टाइम दोस्तों आप उन सब्जेक्ट्स को रखिए जो आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि दोस्तों आपका मॉर्निंग में जो माइंड होता है वो एक्टिव होता है और आप जल्दी किसी चीज को लर्न कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं, आपकी कैचिंग पावर दोस्तों मॉर्निंग में अच्छी होती है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप जो 3 घंटे रखिए वो उन सब्जेक्ट्स को रखिए कि आप जिनको लर्न करना हो आपको, और इसके बाद आप 6 से 8 अगर आप पढ़ रहे हैं, 6 से 9 आप पढ़ रहे हैं, 7 से 10 आप पढ़ रहे हैं, 3 घंटा आपको देना ही देना है दोस्तों। ये मानकर चलिए कि आप सुबह उठ रहे हैं, आप अपने डेली वाले काम करने के बाद, ब्रश करने के बाद, नहाने के बाद, कुछ खाने के बाद आप बैठ जाइए, और अगर आप कुछ मत सोचिए, ना अपना सेलफोन देखिए, ना कुछ देखिए, हाँ इतना कुछ आपका जरूरी मैसेजेस आपके आए हैं, कॉल्स आए हैं तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लगभग 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक लीजिए। इसके बाद आप दोपहर में वो सब्जेक्ट्स पढ़िए, यानी आफ्टरनून में आप वो सब्जेक्ट्स पढ़िए जो आपके सब्जेक्ट माइंड ज्यादा लगाते हैं, जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, जैसे मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं आप, फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, डेरिवेशंस को आप कर सकते हैं, केमिस्ट्री में आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, अकाउंटेंसी के न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में कोई न्यूमेरिकल पार्ट है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि जो सब्जेक्ट जो आपको माइंड ज्यादा यूज करें दोस्तों, क्योंकि दोपहर में हमारे अंदर लेजीनेस आती है, जैसे ही हम मैथमेटिकल चीजों से जुड़ते हैं, अंकों से हमारा जुड़ाव जैसे ही होता है दोस्तों, डिजिट्स जैसे ही आते हैं हमारे माइंड को एक्टिव कर ले जाते हैं, तो यहां पर आपको ध्यान देना है। मैंने आपको बताया 6 से 9 आप मॉर्निंग में पढ़िए, इसके बाद आप 11 से दोस्तों 11 बजे से लेकर के आप 2 बजे तक 11 से 12 एक दो दोस्तों हां 3 घंटे आप यहां पर दीजिए, और इसके बाद आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़िए जो आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं। इनके लिए भी आप टाइम सेट कर लीजिए कि मैं इतने टाइम में रिवीजन करूंगा, मैं इतने टाइम में नया सब्जेक्ट नया चैप्टर शुरू करूंगा। और अब आप मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दूं, अगर आप इन 6 घंटे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल आप जा करके जब आपने पढ़ लिया इतना, अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो आप शाम के टाइम भी निकाल करके शाम को आप 6 बजे बैठिए और 6 से 8 आप 2 घंटे पढ़िए दोस्तों, तो आपका 3 घंटे सुबह, 3 घंटे दोपहर और 2 घंटे आपका ये दोस्तों रात में हो गया, कुल मिला के आपने 8 घंटे की पढ़ाई की। तो मैं आपको बता दूं कि आपको पढ़ना कैसे है। देखिए दोस्तों, आप 60-40 वाला रेशियो आप शुरू करिए। आपको करना क्या है कि अब 60% आपको नए टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, 60% आपको अपने टॉपिक जो आप पढ़ चुके हैं उनको आपको रिवाइज करना है दोस्तों। रिवीजन पे इसलिए फोकस करिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे दोस्तों ये गलती करते हैं कि हम नए टॉपिक्स को पढ़ते चले जाते हैं और पुराने को रिवीजन ही नहीं करते हैं। इसी कारण से दोस्तों हमें पुराने टॉपिक्स भूल जाते हैं और हम पुराने टॉपिक्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं एग्जाम में जब पेपर हमारे पास आता है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है, 60-40 के रेशियो में आपको काम करना है। 60% आपको अपने रिवीजन पर ध्यान देना है, 40% आप नए टॉपिक पर, और दोस्तों आप 80-20 भी कर सकते हैं। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है वो तो मैं कहूंगा 80-20 पर जाएं, और जिनकी कम तैयारी है वो 60-40 वाले पर रेशियो पर जा सकते हैं। 80% आप पुराने टॉपिक्स को अपने रिवाइज करते जाइए, 20% आपके जो टॉपिक्स अब छूट गए हैं, कुछ टॉपिक्स ही छूटे होंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, तो अब उनको आप पढ़ लीजिए। इस तरह से आप करेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपका परसेंटेज बहुत अच्छा आएगा, आपकी अपेक्षा के अनुसार आएगा दोस्तों। यही काम आपको करना है। और दोस्तों अब मैं आपको बता दूं आपको पढ़ना कैसे है। इन 30 दिनों के लिए मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि आपको पढ़ना कैसे है। देखिए दोस्तों, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है अब वो तो प्रीवियस ईयर पेपर पर चले जाएं, लास्ट ईयर पेपर को सॉल्व करना शुरू कर दें, क्योंकि अब वो एग्जाम पैटर्न को लेकर के सॉल्व करें, और रोज आप एक पेपर सॉल्व करिए। अगर आपकी तैयारी पूरी है तो अब आपको कोई अदर काम नहीं करना है, आपको केवल प्रीवियस ईयर पेपर को, रोज एक पेपर को उठाना है, उसको रोज सॉल्व करना है। यही काम दोस्तों आपको जितने भी दिन बचे हैं, 30 से 35 दिन आपके पास जो बचे हुए हैं, पूरा आपको ये काम करना है दोस्तों। ये काम जब आप करेंगे तो मान लीजिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर से फायदा मैं आपको बता दूं, 80% क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। इसके बाद अब आपने तैयारी आपकी अच्छी है, नए टॉपिक्स को आप जर्नली देख सकते हैं अपने नोट्स से, अपने क्लास नोट्स से, अपनी सेल्फ नोट्स से, आपने जो बनाए होंगे आपके कोचिंग के नोट्स, स्कूल के नोट्स, बुक के पीछे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप देख सकते हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जो बार बार रिपीट किए गए दोस्तों, वो उनको कहते हैं बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो हर साल आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए आपको उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान देना है। अब मैं दूसरे टाइप के बच्चों के बात करने वाला हूं, वो बच्चे जिनके अभी कुछ भी तैयारी नहीं है, तो उनको क्या करना है। उनको देखिए दोस्तों, अब आप अपनी बुक को तो एक साइड रख दीजिए, बुक को तो आपको छूना नहीं है क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है, अभी तक आप नहीं जागे थे, अब आप जाग गए हैं, अब आप चिंतित हो गए अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत अच्छी बात है, अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है दोस्तों अच्छा से अच्छा प्रतिशत लाने का, अच्छा से अच्छा स्कोर करने का। तो आप करिए क्या, आप अपने क्लास नोट्स और कोचिंग के नोट्स को उठाइए और बुक के पीछे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो दोस्तों दिए होते हैं समरी में, आप चैप्टर को आप समराइज करके पढ़ना शुरू करिए। ओवरऑल पूरे चैप्टर में मत कूदेगा दोस्तों, अगर आप ओवरऑल पूरे चैप्टर में कूद रहे हैं तो आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि अब एक चैप्टर आपका बहुत ज्यादा समय ले लेगा। अब आपने साल भर पढ़ाई नहीं की थी तो उसका परिणाम तो अब कुछ मिलना ही है, लेकिन अभी भी आपके पास समय है, आपको मैं तरीका बता रहा हूं। आपको अपने क्लास नोट्स, कोचिंग के नोट्स,
और इसके बाद आपकी बुक के पीछे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो दिए गए हैं चैप्टर को आप समराइज करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। इस तरह से आप करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, आपके रिजल्ट में इसका आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, आपका आउटपुट बहुत अच्छा होगा। दोस्तों यही काम आपको करना है, इसी तरह से आपको चलना है, ये काम आप कर लीजिए आपके लिए बहुत बेहतर होगा, आपका परिणाम भी बहुत अच्छा होगा और आप खुद सोचोगे। और इसके बाद आप अपने बुक आपने टेबल पर हमेशा दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर को ऑब्जर्व करते रहिए। ऑब्जर्व का मतलब उन क्वेश्चंस को तो आप बिल्कुल सॉल्व करके जाइए जो क्वेश्चन एक साल के बाद दो साल के बाद रिपीट कर रहे हैं, आप उनको मार्क कर लीजिए। मैं तो ये कहूंगा दो तीन दिन आप समय लेकर के पहले विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को ऑब्जर्व कर लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाइए और उन्हीं क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते चले आइए। और इसके बाद दोस्तों आपके क्लास में भी कोचिंग में भी अब आपको ये बता दिया गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जोड़ दीजिए। आप स्कोर करने के बारे में सोचिए, अब आप नॉलेज गेन करने के बारे में मत सोचिए। मैं तो आपसे कहूंगा कि आप रट डालिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को, आप रट डालिए क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पर बेस्ड आएंगे। आप ये सोच लीजिए कई सालों से सिलेबस चेंज नहीं हुआ है दोस्तों, खासकर सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का, तो उनके क्वेश्चंस तो वहीं से आने वाले हैं। यूपी बोर्ड का सिलेबस पिछली बार ही चेंज हुआ है, तो बिल्कुल दोस्तों उनके पेपर भी बहुत हार्ड नहीं आने वाले हैं, आपकी बुक से ही आपका पेपर आएगा। ये चीजें आपको करनी है दोस्तों, मैंने आपको टाइम टेबल भी बता दिया कैसे आपको करना है। ये दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा कंप्लीट वीडियो था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बताइए। और बिल्कुल दोस्तों आपको जिस भी टॉपिक में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो अभी भी आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको एक स्केच टाइम टेबल भी बनाकर दिखाऊंगा अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, कैसे अपना टाइम टेबल बनाए, कैसे अपने शेड्यूल को बांटें, तो दोस्तों उसमें भी हम आपको बताएंगे। और बिल्कुल दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।